सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर मल्टीपल फोटोज लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप के। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है, जैसे कि आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो इंस्टाग्राम का ऐप है आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में ऊपर जो प्लस का निशान है हम इस पर जाते हैं, और यहाँ पर पहले हम एक स्टोरी में जाता हूँ, यहाँ से स्टोरी के ऊपर। अब सबसे पहले यहाँ से आपको जो भी बैकग्राउंड है इसका एक फोटो खींच देना, जैसे कि मैं फोटो खींच लेता हूँ, फोटो क्लिक हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर जाता है तीन डॉट के ऊपर और यहाँ से जाना है ड्रॉ के ऊपर। ड्रॉ पे जाने के बाद में नीचे आपको जो बैकग्राउंड का कलर आप लोग को लेना है, कोई भी बैकग्राउंड का कलर, जैसे कि मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर है ये ले लेता हूँ। और स्क्रीन पे अब आपको टैप करके रखना है थोड़ी देर, ठीक है। तो गलती से ये वाइट हो गया तो यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं, दोबारा टैप करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब आपको ऊपर यहाँ से करना है राइट पे क्लिक। अब आपको यहाँ से फोटो ऐड करना है। फोटो आप कैसे ऐड करेंगे, ऊपर देखिए सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है स्टिकर वाला, आप इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद में देखिए यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए कैमरे के बगल में ऐसा एक निशान आपको मिल जाएगा, तो कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो इंस्टाग्राम का ऐप है आपको इसे अपडेट कर लेना है, उसके बाद इस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद यहाँ से कोई भी फोटो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ, तो जैसे कि ये फोटो मैंने ले लिया, इसको मैं यहाँ पे ऊपर जमा देता हूँ। एक और फोटो लेना है तो दोबारा स्टिकर के ऊपर जाएंगे, दोबारा इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से एक और फोटो मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। मल्टीपल की बात करेंगे तो एक और फोटो मैं ले लेता हूँ, तीन फोटो जाएंगे, ठीक है। तो तीन फोटो हो चुके हैं। अब आपको थोड़ा डेकोरेट करना है तो दोबारा जाएंगे स्टिकर के ऊपर। इसके ऊपर अगर आपको कोई फ्रेम वगैरह लगाना है तो फ्रेम यहाँ पर लगा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रेम। जो भी फ्रेम आपको यहाँ से अच्छा लगे वो फ्रेम आपको यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये इसका जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो आपको इस फोटोज़ के ऊपर, जैसे कि इस फोटो पे आप एक बार टैप करेंगे तो इसका साइज़ चेंज हो जाएगा, दोबारा टैप करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। और इस तरह से आपको टैप करके इसका जो साइज़ है उसे चेंज कर लेना है। तो जैसे कि अब इसके ऊपर ये जो फ्रेम है आसानी से आ जाएगा और आपको इस फ्रेम के ऊपर ये लगा देना है। फ्रेम आपने लगा लिया। इसके अलावा कोई गाना वाना ऐड करना है तो यहाँ पे ऊपर दोबारा स्टिकर पे जाना है, यहाँ पे म्यूज़िक टाइप करना है, MUSIC म्यूज़िक पे, जो भी म्यूज़िक आपको ऐड करना है तो म्यूज़िक आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट, आपकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऊपर डन पे जाना है। डन करने के बाद में अगर क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो आप नीचे से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सीधा आपको करना है सेंड पे क्लिक, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहा है क्लोज फ्रेंड और ऐड स्टोरी, आपको यहाँ से कर देना है शेयर। इसके बाद आपको यहाँ से करना है डन। तो डन करेंगे तो आपकी जो स्टोरी है वो जा चुकी है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि कैसे आप कुछ सिंपल से स्टेप फॉलो करके अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर मल्टीपल फोटो लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप के। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे ताकि कोई और तरीका निकाला जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा फेयर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल बनाया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर और नोटिफाई करें ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।